डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि पीछे कि मैं अपनी प्रैक्टिस सेट और कुछ ब्लैक बोर्ड शेयरिंग आपके लिए करूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड शेयरिंग और प्रैक्टिस सेट आपको अटैच किया है। वेलकम माई स्टूडेंट्स, वेलकम फ्रॉम द सिंह कोचिंग क्लासेस। यस्टरडे वी हैव सीन अबाउट द टेंस। हमने कल स्टार्ट किया था टेंस से, एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट द प्रजेंट इनडिफिनिट टेंस। हमने प्रजेंट इनडिफिनिट टेंस की पूरी एक वीडियो बनाया था हमने कल, जो कि हमने अपलोड किया है। उसको अगर आप फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कल का वीडियो मैं आपके इस लिंक में अटैच कर दूंगा, ताकि आप कंटिन्यूस मेरी वीडियो को और ये टेंस की जो एक सीरीज है हमारा नियर और 6 से 7 वीडियो में मैंने वो पूरी कंप्लीट करूंगा, वो सारे आपको मिलते जाएंगे। कोई भी अगर नए वीडियो व्यूअर्स भी रहेंगे, वो मेरे लिंक के द्वारा पूरी वीडियो को एक बार में देख सकते हैं। तो कल हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को देखा था। टेंस क्या होता है वो मैंने बताया था। टेंस में समय और काल, मतलब जो समय अभी निकल रहा है उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। द थिंग्स विल गोइंग ऑन, दिस इज कॉल्ड टेंस। आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। प्रेजेंट हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। कौन कौन? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने कल प्रेजेंट इंडिफिनिट की टोटल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कौन कौन से थे, उनको क्या सेंटेंस के स्ट्रक्चर होती है, कैसे हम उनको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे अपने समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें कल हमने बनाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, मतलब मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी हैव स्टार्ट सेकेंड टाइप ऑफ द टेंस, दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड इन दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर मैं डिफिनेशन देखूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट टू कंटिन्यू वर्क इन प्रेजेंट। हालांकि जैसे कि हम जानते हैं कि वी आर स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स द टाइम विच इज गोइंग ऑन, जो समय अभी चल रहा है, दिस इज रनिंग टाइम, विच इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। लेकिन इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है हमारा रिप्रेजेंट द कंटिन्यू टू वर्क इन प्रेजेंट। इसको मैं दूसरी डिफिनेशन में भी देख सकते हैं, फॉर एन एक्शन। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राम बाजार जा रहा है, दिस कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सीता गाना गा रही है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन दिस सेम वे फॉर अ टेम्पररी एक्शन, कौन सा एक्शन? फॉर अ टेम्पररी एक्शन मे नॉट बी एक्चुअली हैपन, फॉर अ टेम्पररी एक्शन मे नॉट बी एक्चुअली हैपन एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, दिस इज द आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। प्लानिंग है हमारा, क्या है प्लानिंग? हमें सिनेमा जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? आज रात को जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। This is also comes under the present continuous tense. तो means हमने अभी क्या क्या बोला? Present continuous tense, the time is running. अभी दूसरा, जो काम होने वाला है हमने प्लान कर लिया है वो, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सब वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आते हैं। तो अब ये तो सही हो गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको पहचान में आया है, लेकिन ये मुझे समझ में कैसे आएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है? उसके लिए जैसे मैंने कल बताया था आपको लेमैन वाली भाषा में, अपनी जो पूरा बेसिक लेवल में, तो उसकी बेसिक लेवल का सबसे पहला पहचान, अब मैं इतना सारा इंग्लिश में बोल दिया, फॉर एन एक्शन और टाइम गोइंग ऑन द प्रेजेंट टाइम, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। फिर फॉर द टेम्पररी एक्शन बीच में नॉट बी कंप्लीट एट द प्रेजेंट टाइम, इसमें भी बहुत सारे भाई लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि यार ये कैसे समझ में आएगा, ये कौन सा एक्शन अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं, कौन सा अभी टाइम चल का रहा है कि नहीं, बहुत सारा कचकच है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं, सीधा सी एक ही पहचान है हमारा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर रहे, तो सीधा सा समझ लेना है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है हमारा। जैसे रहा है, रही है, द सेंटेंस विच एंड्स विद रहा है, रही है एंड रहे है, मैं हिंदी में इसको बोल दे रहा हूं, दिस कम्स अंडर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, राम बाजार जा रहा है, ये रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
सीता गाना गा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं किताब पढ़ रहा हूँ ये दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वे लोग गाना गा रहे हैं चाहे वे लोग बाहर जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तो मेरे हिसाब से आपने समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। आप लिख सकते हो रहा है रही है। तो हमने यहाँ पे वी आर एबल टू नो एंड एबल टू नो कि मतलब हमारा कौन सा सेंटेंस आ रहा है समझ में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें पहचान में तो आ गया। अब इसकी बेसिक चीज क्या है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे, मतलब बनाएंगे क्या मतलब ट्रांसलेट इसको कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिस सेंटेंस। तो अभी हम वही करने वाले हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हमने कल भी स्ट्रक्चर देखा था ना दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आज अभी हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो बना मतलब किसके वो फॉर्मूला उसको हम बोल सकते हैं। अब ये देखो सब्जेक्ट हमने कल ऑलरेडी डील कर चुके हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स काम करने वाला। और ये इज एम और आर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब, हम इसको क्या बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर मीन्स भी का बेसिक वन वर्ब का बेसिक रूप प्लस आईएनजी मींस जो मैंने बोला था ना रहा है रही है रहे हैं वो आईएनजी ही है बेसिक। लेकिन मैं अगर वहां पे ये बोलता कि वर्ब का आईएनजी तो फिर आपको क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने वो रहा है रही है ऐड किया इसमें लेमैन की भाषा में। तो यहाँ पे वी फोर मीन्स मैंने कल बताया था कि वर्ब के कितने रूप, पांच होते हैं, उस पांच में से चौथा जो है वर्ब का वी फोर मतलब वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं गो में आई एन जी लगा देंगे तो गोइंग, स्लिप में आई एन जी लगा देंगे तो स्लीपिंग, दीज आर द वी फोर। और ये हमने बताया कि वर्ब भी क्या है, वर्ब मीन्स काम, वो हमने बताया था सब, वर्ब में काम करने वाले को हम बोलते हैं वर्ब। दुनिया का जितने जो एक्शन वो सारे डिनोट्स करते हैं वर्ब को। तो वी फोर मतलब आई एन जी लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी मीन्स वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स जिसपे जो एक्शन, सब्जेक्ट जो है काम करने वाले जिसके लिए काम करता है जिसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब राम बाजार जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, बाजार मार्केट इज द ऑब्जेक्ट एंड राम इज द सब्जेक्ट। अब इसको हम ना ये सिंपल सेंटेंस के लिए है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये मैं बताऊँगा अभी आपको। तो ये सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस का मैं अगले वीडियो में डालने वाला हूँ, मैंने बताया भी था। तो अगर इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा अगर अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, एग्जांपल इसमें भी पर्संस के ऊपर ध्यान रखने पड़ेंगे अपने को, लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं राम बाजार जा रहा है तो राम सब्जेक्ट कौन सा हुआ, राम, तो राम उसके पास इसमें क्या लगेगा, इज क्यों लगेगा, इज इसलिए लगेगा कि यहाँ पे है तो इज लगेगा, तो राम इज वी फोर गोइंग टू मार्केट दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सेम चीज सीता गाना गा रही है तो सीता सिंग्स, सॉरी सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता ये सिंगिंग है सॉन्ग, सीता ये क्या है गाना गा रही है। अब उसके बाद से देखो मैं आम खा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम, यहाँ पे एम आएगा, आई एम ईटिंग मैंगो, वे बाजार जा रहे हैं तो दे आर, यहाँ पे आएगा दे आर मीन्स अगर मैं अगर देखूं जैसे कल हमने बोला था ना कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ एस और ये वाला जो लोचा था, सेम चीज यहाँ पे है, जब फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो तो यहाँ पे हमें क्या होगा आर, ये एम का और उसके बाद जो भी रहेंगे आर का यूज में आते हैं। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। सेकेंड वाला हम लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, अगर इसमें निगेटिव वाक्य का रहे, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, राम आम नहीं खा रहा है, राम बाजार नहीं जा रहा है, तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस आएंगे दिस, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस इसमें केवल एक ही चीज ऐड करना है दोस्तों नॉट, बस सेम चीज ऊपर का केवल इसमें हम ऐड करेंगे नॉट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। जस्ट लाइक अगर मैं देखूं
और एग्जांपल अगर ले सकते हैं, वे खाना, वे मार्केट जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, मतलब वे बाजार नहीं जा रहे, मतलब जस्ट लाइक एक केवल हम ऐड करेंगे नॉट, ओनली नॉट ऐड किया, और यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स, तो इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, मतलब जहाँ पे क्वेश्चंस, क्वेश्चन अराइज हो, दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। जैसे कहा मैं ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज, एम, आर, उसमें हम लोग क्या करते थे भाई, तो दोस्तों कि इसमें सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में क्या है, थोड़ा सा बस और कुछ की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस, ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, मत मीन्स पहले में सब्जेक्ट के पहले, ईच, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क। अब लेट्स एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, क्या राम बाजार जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इज राम गोइंग टू मार्केट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, नहीं क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां पे इज आई ए सॉरी एम आई ईटिंग फूड, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिस मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें अगर निगेटिव इंट्रोगेशन हो, मतलब निगेटिव में जो रहे, निगेटिव इंट्रोगेशन में, जैसे क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, इसमें तो हमने देखा सिंपल सा इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या केवल रहे, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या सीता गाना गा रही है, तो वो सारे सब्जेक्ट से इधर से बन जाएंगे। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा चेंजिंग अगर कर दे, ये मैं केवल आप लोगों के लिए ऐड किया हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसलिए ऐड किया हूँ कि ताकि आप ना अगर कहीं कन्फ्यूज ना हो, कहीं अगर ट्रांसलेशन अगर क्या ऐसा आ जाए, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा का कन्फ्यूजन रहेगा, फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपने इसमें फुल नॉलेज दूँ आपको, बिकॉज मैं यहाँ पे स्टेप ही लिया हूँ टेंस इज इजी इसके लिए। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले जो जैसा यहाँ पे था, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट केवल एक वर्ड नॉट ऐड करेंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आई एन जी, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, तो इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो एम आई नॉट ईटिंग फूड, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी कैन बोथ, दोनों का मतलब एक ही है। अब एक लास्ट एक चीज़ में अगर देखूँ कि अगर कभी कभी कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं कि जब स्टार्ट होते हैं, जैसे इफ दस कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, जैसे स्टार्ट होंगे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, अगर ऐसे रहे तो हम क्या करेंगे, फिर उसके लिए एक स्ट्रक्चर सीधा सा है, ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ पहले आ जाएगा, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूंगा, जस्ट बी टेक एग्जाम्पल फॉर दिस सेंटेंस, जैसे तुम क्या कर रहे हो, सिंपल सा है, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम तो जनरल बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, सेम चीज, व्हाट आर यू डूइंग, चाहे अगर ये निगेटिव में रहे तो नॉट, अगर सिंपल में रहे तो नॉट हटा देंगे, सीधा सी बात है, और इसमें कुछ भी नहीं। जैसे तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू, ये सब जो सेंटेंस रहेंगे इसमें ऐड करके हम बना लेंगे। अब एक चीज सिंपल सा एक और है, अगर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने बताया था, लेकिन हर एक चीज़ों का अपवाद भी होता है, जिसको हम एग्जम्पशंस भी बोलते हैं, जैसे अंगूर खट्टे, मान लो कि अगर हम एग्जाम्पल्स इसमें रहेंगे, वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, जहाँ पे प्रिसेप्शन की हो, जैसे सी, हेयर, स्मेल, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता है, वहाँ पे सिंपल सी जो ये सेंटेंस होते हैं उस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, सी, हियर, स्मेल अगर है तो उसका द ग्रेप्स आर टेस्ट, अगर मैं ये बोलूँ अंगूर खट्टे हैं तो ग्रेप्स आर टेस्टिंग इन सावर, गलत है, तो सीधा से इसका क्या होगा, दीज ये अंगूर खट्टे हैं तो दीज ग्रेप्स आर सावर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपियरिंग, अगर जहाँ पे अगर सेंस ऑफ अपियरिंग रहे, जैसे अपियर, लुक, सीम, वहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
वर्क नहीं करेगा. जस्ट लाइक द इमोशन, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट एंड हाउ होप, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे. जस्ट लाइक द थिंकिंग, थिंकिंग में थिंक हो गया, सपोज, बिलीफ, एग्री, ये सब जो ये एग्जेम्पशंस हैं. तो डियर फ्रेंड्स, वी यहाँ पे हमने देखा जो जो एग्जेम्पशंस हैं फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, जैसे थिंकिंग में थिंक, सपोज, बिलीफ एंड एग्री, मीन्स दीज एक्सेप्शंस नॉट अलाउड ऑन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हेयर वी कंप्लीट आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन वी स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ द प्रेजेंट टेंस. दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के कितने हमने बताए थे काइंड? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो दिस इज द थर्ड काइंड. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट अभी तक हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कैसे डिनोट करेंगे, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य जो है कि आपको भी सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाउ कैन बी जस्टिफाई एंड हाउ कैन बी जज देम. तो उसके लिए हमने इजी सा है, टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट. उसका क्या है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट विथ जस्ट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या है कि वो अभी बाहर गया है. मैं इसमें कह रहा है कंप्लीटेड एक्टिविटीज, मेरी काम पहले हो चुका है, लेकिन कब, अभी तुरंत. उसकी नहीं होता है, जैसे ये नहीं कि 2 महीना पहले या 15 दिन पहले, ये तो पास्ट टेंस का हो जाएगा. ये अभी काम अभी तुरंत हुआ है. यार जैसे कोई पूछता है किधर है मेरा ये दोस्त आया था किधर, अरे अभी जस्ट वो बाहर गए. मतलब दिस इज कम्स अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द इंडिकेट एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट विथ जस्ट, मतलब तुरंत. एग्जाम्पल ही है जस्ट गॉन आउट. उसके बाद से इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या होता है, जो कार्य को समाप्त हो चुका है लेकिन उसको समाप्त हुए कुछ अधिक देर नहीं होते, मीन्स द वर्क हैज कंप्लीटेड बट इट है इट्स इफेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. चाहे उसका अभी ज़्यादा देर तक समाप्त हुए, काम खत्म हुए नहीं होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे बोला सेकेंड में, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन विच टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफिनिट. कुछ ऐसा पीछे के समय को, चाहे पीछे की एक्शन को एक्सप्रेस करना जिसका क्या है, टाइम इज नॉट गिवन. यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम इज नॉट गिवन, जिसका समय नहीं दिया है वैसे पास्ट चीज को एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका समय नहीं दिया होता है एंड नॉट डिफिनिट. और ये भी कोई डिफिनिट नहीं है कि ये कब हो जाएगा. एग्जाम्पल, ही हैव नेवर नो हिम बी एंग्री. उसको हमने कभी भी गुस्से में हम लोगों ने नहीं देखा, ये नेवर नो हिम बी एंग्री. उसके बाद से इसके सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऐसा अगर हम एक दो एग्जाम्पल्स और शेयर करना चाहें तो उसके लिए भी है, आई हैव नेवर, द हरी हैज बीन गोइंग टू जापान, द हरी हैज बीन टू जापान. इसका हो गया. थर्ड एक्टिविटीज अगर हम करें, टू डिनोट एन एक्शन एट सम टाइम इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मूवमेंट. क्या है इसका, ये समझिए इंपॉर्टेंट, टू डिनोट एन एक्शन, कुछ भी एक्शन को डिनोट करना, कुछ ऐसे काम को बताना एट सम टाइम इज पास्ट, मतलब कुछ समय पहले हो गया एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट मूवमेंट, अभी भी उसकी चालू है, पहले से पीछे से स्टार्ट हुआ है और अभी तक उसका चालू है. ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक. ठीक है, अभी कोई पूछता है ना, अरे यार इसको देखा है क्या, अतुल को देखा है क्या, तो एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, अतुल को देखा है क्या, अरे नहीं यार अतुल को तो 2 सप्ताह पहले ना बीमार था यार, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा. ठीक है, तो वो बीमार कब हुआ, 2 सप्ताह, 2 ईयर्स, 2 वीक्स बिफोर. तो ये हमारा एक्शन जो है पास्ट में हुआ है लेकिन ये प्रेजेंट मूवमेंट को शो करता है, इट्स इंडिकेट द प्रेजेंट मूवमेंट. सो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो पीछे के समय से ही, पिछले वीक से तबीयत उसकी खराब है. यस, तो बीन सिंस इन लास्ट वीक. अब हमें यहाँ पे, अब हम गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द सेंटेंस कि बाई विच वी आर गोइंग, वी कैन एबल टू मेक ट्रांसलेशन.
अब लेकिन हमने ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, ये मैं इजी तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ले मैन क्या है, जिस वाक्य के अंत में सीधा सा, जो मैंने जैसे मैं सब शुरू से बताते आ रहा, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, तो दैट सेंटेंस कम्स अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम बाजार जा चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, सीता गाना गा चुकी है, ये सारे सेंटेंस कम्स अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सीधा से ये समझने के लिए सबसे फर्स्ट, लेकिन ये कुछ ये स्पेशल केसेस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया और ये सिंपल सा मैंने अभी बताया। अब इसका वी आर गोइंग टू टेक द स्ट्रक्चर, मैं लर्न टू फार्मूला। तो सब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी क्लियर अबाउट दिस, ऑब्लिक हैज ऑब्लिक प्लस हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी थ्री। ये देखो सर जी, वी थ्री हमने बोला था ना, वी वर्ब के कितने पार्ट्स, फाइव, वी वन। तो यस, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, वी थ्री जो हमने बताया था, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर प्लस वी फाइव। तो वी थ्री इज ऑल्सो, वी कैन से दैट दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्ले, प्लेड, दीज आर द कम्स अंडर द पास्ट पार्टिसिपल। तो वी थ्री हो गया, मतलब वर्ब का तीसरा रूप। ये फॉर द सिंपल सेंटेंस, अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम बाजार जा चुका है, अगर मैं बोलता हूँ राम बाजार जा चुका है, तो राम हैज गो का कौन सा होगा, गो, वेंट, गॉन, राम हैज गॉन टू ऑब्जेक्ट इज द मार्केट। तो अब यहाँ पे एक चीज और सिंपल सा है, हैज और हैव, हैज और हैव जो है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगे ना, कि जब हैज एंड हैव है तो हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग ना, कैसे हम लोगों ने एस और ईएस का प्रयोग हम लोग हमेशा इन द फर्स्ट पर्सन और सेकेंड और थर्ड पर्सन, पर्सन तीन होते हैं जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ हैव लगता है, और जब यहाँ पे थर्ड पर्सन हो तो हैज का यूज हम करते हैं। सीधा सी बात, मैं ये समझे कि मैं अच्छे से लिख दूँ, ये देखो मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हैव, सेकेंड पर्सन ऑल्सो हैव, और थर्ड पर्सन हैज। तो हमने बताया था, अब इसमें फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई बी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दुनिया के जितने जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। तो यहाँ पर राम बाजार जा चुका है, एग्जांपल हमने लिया था, तो राम हैज गॉन टू मार्केट मींस राम कौन सा है, थर्ड पर्सन, इसीलिए यहाँ पे हमने हैज लगाया। मैं बाजार जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू मार्केट, तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, सो वी यूज, आई यूज हैव। लुक द डिफरेंस, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्जेक्ट। जब हम ये निगेटिव कम्स ऑन द निगेटिव सेंटेंस, दिस इज फॉर द सिंपल सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस निगेटिव में रहे, फॉर द निगेटिव सेंटेंस के लिए उसमें भी कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, ओनली वी फोकस ऑन नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस वी थ्री, मतलब वर्ब के पहले हमें नॉट लगा देना है, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट फॉर निगेटिव सेंटेंस। जैसे राम बाजार नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गोन टू मार्केट, बस मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट ईटन, ईटन फूड, दिस इज निगेटिव। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव मीन्स वही क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक प्लस साइन ऑफ एक्स का ये होगा इंट्रो। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो भी हमारा ये रहेंगे ये पहले आ जाता है, हैज और हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट्स टेक एग्जांपल, क्या राम बाजार जा चुका है, हम एक पैटर्न पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ओनली केवल राम का और मैं का, इसलिए कि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। क्या राम बाजार जा चुका है, द हैज, वाई हैज, वाई नॉट हैव, बिकॉज राम इज द थर्ड पर्सन, सो बी यूज हैज, राम गॉन टू मार्केट लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
इस वही इंट्रोगेटिव में भी कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ये नहीं कि इंट्रोगेटिव आ गया मैं पूछ रहा है क्या मैं खाना खा चुका हूँ मैं क्या बनाऊँ, तो नो उसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज और है उसको निकल के बाहर कर देना है, सीधा उसको निकल के बाहर करेंगे सब्जेक्ट के पहले, फिर सिंपल सा सेंटेंस आ जाएगा, क्या मैं बाजार जा चुका हूँ, तो हैव आई गॉन टू मार्केट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक रूल्स। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है एक चीज और शो करता है, द एक्टिविटी विच फिनिश इन पास्ट, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी काम जो पास्ट में खत्म हुआ हो बट इट्स इफेक्ट स्टिल प्रेजेंट, लेकिन उसकी इफेक्ट जो है अभी भी प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल, इट हैज रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट, कल रात को बारिश हुई थी, बारिश हो चुकी है हमने नहीं देखा, लेकिन अभी भी क्या है लैंड जो है लैंड वेट है, मतलब जमीन भीगी हुई है, इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि बारिश हो चुकी। मीन्स इट हैज रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट, मतलब बारिश हुआ बट लैंड वेट है, जमीन भीगी हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल, राम हैज गोन आउट, राम हैज गोन आउट मतलब क्या है, राम बाहर जा चुका है, लेकिन उसको यहाँ पे क्या है इसका डोर जो है डोर लॉक है, ये अभी प्रेजेंट शो करता है, ताला लगा हुआ है, हम गए देखने, अच्छा राम का घर है, राम जा चुका है, वो कब गया पता नहीं लेकिन अभी ताला लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये प्रेजेंट टाइम में उसके घर पे ताला लगा हुआ है लेकिन राम बाहर जा चुका है, दिस कम्स अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो राम हैज गोन आउट बट द डोर इज लॉक जो है ताला उसको लगा हुआ है एंड इफेक्ट्स स्टिल कंटिन्यू, दिस कम्स अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट किया है, अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस कल का और आज का, मैं अभी उसका फोटो इसके मैं वीडियो में ही शेयर करूंगा, उस प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज रहेंगे, आप उसको घर पे और अपने में बना करके सॉल्व करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे को डालकर दे सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा। तो रिगार्ड फ्रॉम द सिंग्स सिंग कोचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।